सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी आंख के नीचे कोई गौर नहीं करेगा, मुझे चोट लगी है। मैं आपको कांतारा फिल्म की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको फिल्म में नहीं बताई गई। कांतारा मूवी में शिव और भगवान विष्णु का रेफरेंस किस तरह है? सबसे पहले भूतकोला क्या होता है? भूतकोला का मतलब होता है देव आराधना, जो मैंगलोर और उडुपी में मनाया जाता है आज भी। के बारे में पंजुर्ली देवा और गुलिया देवा। पंजुर्ली देवा को हिंदी में जंगली सुअर या वाइल्ड बोर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत माता पार्वती को जंगल में एक जंगली सुअर के कुछ बच्चे मिले। माता पार्वती को देखते ही उसकी माँ वहां से भाग गई और एक बच्चा वहां छोड़ गई। माता पार्वती ने उस बच्चे की खूब अच्छे से देखरेख की, लेकिन बड़े होते वक्त उस बच्चे के दांत निकल आए, जिसमें खुजली के कारण वो सारी फसलों को नष्ट करने लग गया। ये देख के भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और वो उसे मारने लगे। माता पार्वती ने शिव जी भगवान को रोक लिया, पर शिव जी भगवान तब तो रुक गए, लेकिन धरती की भलाई के लिए और फसल की भलाई के लिए उसे धरती पर भेज दिया। बस उसी को ही हम पंजुर्ली देवा के नाम से जानते हैं। और ये वही पंजुर्ली है जिसे फिल्म की शुरुआत में राजा अपने देश लेके चला जाता है, बदले में गांव वालों को खूब सारी जमीन दे जाता है। अब बात करते हैं गुलिया भगवान। गुलिया भगवान कौन है? एक बार माता पार्वती शिव जी के लिए भस्म लेकर आए और उस भस्म में छोटा सा पत्थर निकला। उस पत्थर को माता पार्वती ने विष्णु की तरफ फेंका तो विष्णु के पैरों में गुलिया देवा का जन्म हुआ। गुलिया देवा बहुत ही ज्यादा शरारती और नटखट थे। इनकी शरारत से परेशान होकर विष्णु भगवान ने इन्हें धरती पर भेजा माता नलिशंका के पेट से जन्म लेने के लिए, लेकिन वहां भी ये थमने वाले नहीं थे। नौवें महीने में माता की कोख को फाड़कर इन्होंने जन्म ले लिया और शैतानी और उधम से नगरी को परेशान कर दिया। इनका काम सिर्फ उधम मचाना और खाना खाना है। इनको इतनी भूख लगती है कि ये पूरा गांव खा सकते हैं, जिसका रेफरेंस आपको फिल्म में आखिर में शिवा में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि वो खाना मांगता है और खाता भी है, जैसे कि वो जन्मों से भूखा है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में जब भी गुड़िया देवा आते हैं, ये ऐसे ही उधम मचाते हैं, हर किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं और कच्चा मुर्गा या हाथी का खून भी पी जाते हैं। कहानी में वापस आते हैं, जब इनकी भूख शांत नहीं हुई तो विष्णु भगवान नीचे आकर इनको अपनी छोटी उंगली अर्पित करते हैं, तब इनकी भूख शांत होती है। एक दिन उधम मचाते मचाते गुलिया देवा पंजुर्ली देवा की सीमा में पहुंच गए और वहां उनका जम के झगड़ा हुआ। उनके झगड़े को शांत करने के लिए माता दुर्गा जमीन पे आई और उन्होंने निर्धारित किया कि आप दोनों साथ में ही रहेंगे, जहां पंजुर्ली देवा शासक बन के रहेंगे और गुलिया देवा क्षेत्रपाल बनकर उनकी सेवा करेंगे। अब ये दोनों मिलकर तुलुनाडु मैंगलोर उडुपी की जमीन की रक्षा करते हैं और साल में एक बार इनकी पूजा आराधना कर इनको शांत किया जाता है। कहा जाता है कि अगर देवा गुस्सा हो गए तो गुलिया भगवान पूरी फसल को नष्ट कर देंगे। वही भूतकोला हमें फिल्म में देखने को मिला है, जिसका नाम है देव आराधना, जो आज भी तुलुनाडु मैंगलोर और उडुपी में होता आया है। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इसमें शिवजी और विष्णु भगवान का रेफरेंस कैसे है। तो शिवजी का रेफरेंस है शिवा, जो डिस्ट्रॉयर है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बिल्कुल भोलेनाथ की तरह भोला है, जो अपने दुश्मन के साथ ही काम करता है। और विष्णु का रेफरेंस है मुरली। फिल्म में आपने FRI ऑफिसर मुरली को देखा होगा, जो विष्णु का रेफरेंस है। वो दोनों मिलके आखिरी में पंजुर्ली और गुलिया की तरह उस जमीन की रक्षा करते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कांतारा फिल्म, तो जल्दी से जाइए और पुराने इंडिया को एक बार फिर देखिए, जहां देवी देवता होते थे, कल्चर है, पूजा आराधना है, इंडिया की खुशबू है। हमारा पूरा इंडिया अब साउथ में है, बॉलीवुड में शायद नहीं।